मन बिस्तरा बादले बंत बराड़ तुरे ओ तू क्यों होया है पागल भई बंत बराड़ तुरे ओ तू क्यों होया है पागल गंड कटदा कैप्टन भी इस समय हम खड़े हैं बीबी गुलाब कौर नगर में। यह नगर बसाया है किसानों ने। इस तरह के 5-6 नगर बसे हुए हैं। यहाँ पर सभा चल रही है और हम जानने की कोशिश करना चाहते हैं कि आखिर क्या वजह है कि पंजाब में जो किसान हैं वह इतना संगठित हैं। अलग अलग यूनियनें इतनी पावरफुल, इतनी शक्तिशाली हैं कि इतने लंबे समय से वे सीधे सीधे मोदी सरकार को टक्कर दे रही हैं। मैं एक तारीख से आया हूँ मैडम, यहाँ हमारे ट्रैक्टर के साथ लेकर आए हैं। हम 10 आदमी आ रहे हैं हमारे गांव से और लगातार यहीं हैं। सर्दी हो, बुखार हो, सर्दी गर्मी जब हुए हो, हम यहीं हैं और यहीं रहेंगे, यहीं डटे रहेंगे जब तक सरकार पीछे नहीं हटेगी। हरियाणा की सरकार तो मान नहीं रही है। हरियाणा की सरकार तो मान दी, बिल्कुल नहीं मान रही। सेंटर भी नहीं मान दिया जी, हमें तो मोदी को हटाना है। हरियाणा की सरकार क्या करी, सेंटर की सरकार ही कानून वापस ले ली तो हरियाणा सरकार रह जाएगी अपने घर। हरियाणा की सरकार तो हमारी विपक्ष है ही बिल्कुल। खट्टर को क्या पता है जी, इनको पता ही नहीं खेती के बारे में। ये तो सब अनजान आदमी बैठे हैं, इनको कृषि के बारे में बिल्कुल नहीं पता है जी। ये तो संघ के आदमी हैं सारे, अपने संघ के बारे में चला रहे हैं। इनको राजनीति चलानी है अपनी, किसान के की कोई सरकार नहीं है। न तो हरियाणा सरकार है, न सेंटर की सरकार है। जो एक गोदाम बना रहे हैं पंजाब डिस्ट्रिक्ट में, जितना भी पैदावार होती है क्रॉप्स की, भावें आप जीरी धान की लगा लो चाहे कणक की लगा लो, उसके लिए 4 गोदाम बहुत है। ये आप मैट्रिक टन, लाखों मैट्रिक टन में वो स्टोरेज करती है और उस एक उसमें फैक्ट्री में 10 एम्प्लॉय काम करते हैं। आप पहले ये देखो भी अनएम्प्लॉयमेंट पहले कितनी है, और अगर ये कानून लागू हो गए, ये अडानी अबानी अपने गोदाम बना गए जो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो वो 10 आदमी, अभी मेरे गांव से 200 आदमी जाता है मंडी में, और मेरे ब्लाक में 43 गांव हैं, 200 के हिसाब से 43 गांव की आप कैलकुलेशन करते रहना, ठीक है। वो सिर्फ 4 गोदाम लगेंगे, यानी कि 40 आदमी पूरे डिस्ट्रिक्ट संगरूर में, 40 आदमी काम, उन्हीं को नौकरी मिलेगी, काम मिलेगा, खत्म कर रहे हैं। ये अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। एक बात जो सबसे बड़े कह रहे हैं कि खाली पंजाब और हरियाणा के किसान को ही दिक्कत है, बाकी देश के किसान को दिक्कत नहीं है, आप कैसे सोचते हैं? नहीं जी, दिक्कत है। राजस्थान के आ रहे हुए हैं, मध्य प्रदेश के आए हुए हैं, आप ये कैसे कर रहे हैं मैडम? अब मैं बताऊंगा जी, सरकार बना रही दबाव, मीडिया पर दबाव बनाकर किसानों को दबा रही है और मीडिया को बका रही है। मीडिया भी सरकार के बिल्कुल ही पक्ष में कर रही है, किसानों की न सुन रही है, न किसानों की कोई सुनवाई होती है। यहाँ हम यहाँ 20 दिन से देखते हैं, कोई मीडिया वाला यहाँ नहीं आता है। लोकल को एक आध आता है, उसको भी दबा दिया जाता है। और सरकार सिर्फ अपनी ही मीटिंग करेंगे, हम गांव में जाएंगे, किसान सरकार का भय हो रहा है, मीडिया गांव में जाए, लोगों को वहीं रखे, यहाँ किसान दिल्ली में ना जाएं और यहाँ आकर मतलब उनकी संख्या न बच जाए। हम किसान क्या करते हैं, जैसे आलू बोया जाता है हमारे खेतों में, आलू बो दिया हमने, 4-5 एकड़ बो दिए, टोटल हमारे पास 7 एकड़ हैं, ठीक है ना, 4-5 एकड़ उसमें बो दिए। जब उसको उखाड़ना है आलू को, बेचना है मंडी में जाकर, तो उसका रेट 1 रुपया किलो रह जाता है। आप ही बताओ, आप पूरा एक माह आप इन न्यूज वालों के काम करो, आपको ये कह के काम दिया जाए कि आपको भैया 50,000 में नौकरी का काम दिया जाएगा, जब आप पे पकड़ने जाओ वहां आपको 5,000 दिया जाए, ठीक है ना, अच्छा तो आपको अच्छा लगेगा। किसान इसीलिए, किसान कर्जा उठाता है बैंकों से, जब वो कर्ज नहीं उतारा जाता तो वो फंस अपने आप को रस्सा लगा लेता है, वो खुदकुशियां कर। कितना अनाज लेकर आए हैं? 6 महीने का। क्या क्या लाए? गोभी, पकौड़े वगैरह जी, राशन, रोटी पानी वगैरह, बहुत ज्यादा ये चीज ले। हाँ, सारा सामान लेके आंदा जी, टोटली सारा प्रबंध जी, पट्टियां लेके आए हैं, देगे लेके आए हैं जी, ते गोभी नाल लेके आए, बाकी राशन लेके आए हैं जी, टोटली। किसानों के इस आंदोलन में बड़े पैमाने पर पंजाब और देश के बुद्धिजीवी उतरे हैं। ऐसे ही एक लेखक से हमारी मुलाकात यहाँ पर टिकरी बॉर्डर में हुई है और हम उनसे बात करने जा रहे हैं कि आखिर बतौर लेखक वे किसानों के बीच क्या कर रहे हैं और शायद ये पहले दिन से किसानों के साथ मौजूद रहे हैं। जिस दिन से किसानों का आंदोलन चला है उस दिन से पंजाब के जितने राइटर्स थे, हम इनके साथ
बैठे रहे हैं, हमने स्ट्राइक में भी शामिल हुए, बंद में भी शामिल हुए, हम जहाँ जहाँ इनके मोर्चे लगे हुए थे पेट्रोल पंपों पे, अडानी के मॉल्स के और जो हमारे रेलवे ट्रैक थे, हमारे राइटर्स उसी दिन से लेखक भाइयों के साथ हैं। अच्छा, आपने बताया और हम सब जानते हैं कि पंजाब में ये लड़ाई करीब 3 महीने पहले से चल रही है, 3 साढ़े 3 महीने हो गए। लेखकों का किसानों के साथ क्या रिश्ता है और क्या ये रिश्ता इस आंदोलन में स्थापित हुआ है? देखिए, हमारा जो ज़्यादा लेखक हैं पंजाबी का और इवन हमारे हिंदुस्तान के भी बहुत से जो देहात से आने वाले लेखक हैं वो किसानों के परिवारों से है, कोई किसान का बच्चा है, कोई किसान का भाई है, तो किसानी हमारे जो समाज में एक बहुत ऐसा हमारा वर्ग है जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला वर्ग है, हम उसी के उन्हीं परिवारों से आने वाले हैं, हम सीमांत किसानों के परिवारों से आने वाले लोग हैं, हम इनका दर्द जानते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, इस आंदोलन ने लेखक की ज़मीर को भी बहुत झकझोरा है। लेखक ज़्यादा सुविधाभोगी हो जाते हैं, शहरों में रहते हैं, सहूलत लेने लग जाते हैं, लेकिन इस आंदोलन ने लेखक की चेतना को भी एक उसमें उसकी चेतना में भी एक चिंगारी पैदा की है। हम जब पंजाब के लेखक की बात करते हैं तो हमारे सामने जो बड़े नाम आते हैं, अवतार सिंह पाश का आता है, गुरजीत सिंह का आता है, गुरशरण सिंह का आता है और एक गुरदयाल सिंह का आता है और एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन इस बार जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें जो लेखक हैं क्या वो दूसरी भूमिका में हैं? नहीं, दूसरी भूमिका में भी हैं और पहली भूमिका में भी हैं। हमारा लेखन भी कर रहा है, लेखन के साथ साथ वो इस आंदोलन में भी शामिल है। आप देखोगे कि पंजाबी के जो नौजवान जिनके ऊपर ये लांछन लगता था कि वो लच्चर गीत लिखते हैं, वो अश्लील गीत लिखते हैं, इतने नए गीत लिखे गए हैं, इतने नए लड़के पैदा हुए हैं जिन्होंने कलम उठाई है। इस आंदोलन के दौरान बहुत सी नई कलमें उदा हुई हैं और बहुत से जो पुराने लेखक थे हमारे, जो वो उस बोली को छोड़ चुके थे जो किसान की बोली थी, जो आवाम की बोली थी, जो आम आदमी की बोली थी, लेखक अब हमारे लेखक को ये सोचना पड़ा कि मैं जो बात करूं उसी बोली में, उसी भाषा में बात करूं जिसको किसान समझता हो। इस समय हम बात करने जा रहे हैं पावेल जी से, जो सुर्ख लीग एक पत्रिका है उसके संपादक हैं, और उनसे जानना चाह रहे हैं कि इस पूरे टीकरी बॉर्डर में जो गाँव बसे हैं, जिनके नाम पर वो गाँव हैं, उनके बारे में थोड़ा हमें बताएं। यहाँ टिकरी बॉर्डर पर जो किसानों की कतार लगी हुई है ना, ये 12-13 किलोमीटर लंबी कतार है उनके व्हीकल्स की, उसको एक तो उन्होंने ऑर्गेनाइज करने के लिए 5 जो नगर है उसमें बांट लिया है, और उसका ऑर्गेनाइज करने का पर्पस भी है, पर उससे बड़ा ये भी है कि उन नगर को जो नाम दिए गए हैं, जो पंजाब की रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल की ट्रेडिशन है उसको हेल करने के लिए, अपहोल्ड करने के लिए। तो टोटल 5 गांव बनाए हैं? 5 गांव बनाए गए हैं, उनमें से जैसे हम यहां पर हैं बीबी गुलाब कौर, ये इसे गदरी गुलाब भी बोलते हैं, गदरी गुलाब क्योंकि ये गदर मूवमेंट थी जो 1914 में जो शहीद हुए करतार सिंह सराभा जिसके लीडर थे, सोहन सिंह भकना जिसके लीडर थे, उस मूवमेंट में ये गुलाब कौर कनाडा से पंजाब वापस आई थी गदर मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो तब से ये एक रेवोल्यूशनरी मार्टर के तौर पर एक सिंबल है और वुमेन की कंट्रीब्यूशन का भी एक सिंबल है जो हमारी फ्रीडम मूवमेंट है उसमें। एक तो ये नगर है और सबसे पहले है बंदा सिंह बहादुर, बाबा बंदा सिंह जो बहादुर हैं उनका वो एक तरह आज से 300 साल पहले पंजाब की जो एक तरह जो लैंडलेस लोग थे उनकी एक बगावत थी, उसके वो लीडर किस किस समय हुआ था? ये हुआ था 1710-15 के आसपास, उस पीरियड में एक बड़ी बगावत थी, लोगों ने जैसे लैंड पर कब्जा किया था अपनी आर्मी बनाकर, ये एक ऐसी मूवमेंट थी जो तब के फ्यूडल लॉर्ड्स थे उनको भगा दिया था गांव से, और उस समय जो मुग़ल शासक थे वो भले ही वो एक रिलीजियस कवर में है और एक रिलीजियस उसकी पेशकारी है, पर एक्चुअल में वो किसानों की मूवमेंट है, इसलिए उसको अपहोल्ड करने के लिए, उस ट्रेडिशन को अपहोल्ड करने के लिए ये जो सिंबल के तौर पर बाबा बंदा सिंह बहादुर गाँव बसाया गया है। और उसके बाद आता है चाचा अजीत सिंह नगर, जो चाचा अजीत सिंह नगर है वो पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट जो अंग्रेज़ों ने 1905-07 में
ऐसे ही जो लैंड पर जो राइट है उनको कर्व करने के लिए, जो पीजेंट्स के लैंड पर राइट थे उनको कर्व करने के लिए एक कानून बनाया था। उस कानून के अगेंस्ट भी पंजाब में बड़ी मूवमेंट चली थी। जब शहीद भगत सिंह का जन्म हुआ उस समय वो मूवमेंट पंजाब में चल रही थी। उसे पगड़ी संभाल जट्टा उसका नाम था और चाचा अजीत सिंह भगत सिंह के चाचा हैं, इसलिए सारे पंजाब में वो चाचा अजीत सिंह के नाम पर जाने जाते हैं। उन्होंने उस मूवमेंट को लीड किया। एक गांव तो ये हुआ। हाँ, एक ये हुआ। दो, तीन गांव आपने बताया। हाँ, और एक है शहीद भगत सिंह के नाम पर। शहीद भगत सिंह का तो सभी लोग जानते हैं। उसकी जो स्पेसिफिकेशन इस बात में है कि शहीद भगत सिंह ने डाउन द इम्पीरियलिज्म कहा और रेवोल्यूशन को अपहोल्ड किया। आज इम्पीरियलिज्म के खिलाफ जो कॉरपोरेट्स हैं, भले ही वो यहाँ के लोकल कॉरपोरेट्स हैं इंडिया के, भले ही वो मल्टीनेशनल्स हैं, उन कॉरपोरेट्स के खिलाफ किसानों की फ़ाइट है, तो उसे ये ब्रॉडर आउटलुक देने के लिए कि ये फ़ाइट कॉरपोरेट्स के खिलाफ का मीनिंग ये इम्पीरियलिज्म के खिलाफ है, और दूसरा है कि ये फ़ाइट कैसे लड़ी जा सकती है, उसके लिए भी भगत सिंह क्योंकि रास्ता दिखाता है, इसको प्रोजेक्ट करने के लिए जो भगत सिंह का वो नगर बनाया गया। और लास्ट पे एक नगर है शहीद साधु सिंह तख्तोपरा नगर। वो जो ये पीजेंट मूवमेंट है उसके रीसेंट पीरियड में आज से 10 वर्ष पहले जो एक यहाँ के बॉर्डर पाकिस्तान के बॉर्डर पर एरिया पड़ता है अमृतसर डिस्ट्रिक्ट का, उसमें जो किसानों की स्ट्रगल चली उसके वो लीडर बने, क्योंकि वो स्ट्रगल वहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स है उनके खिलाफ थी, जहाँ जो वहाँ की जैसे हम ब्यूरोक्रेसी के साथ पॉलिटिकल क्लास ने रल के उनके साथ मिल के। ये तो जो छोटे किसान हैं, मतलब बड़े किसान के खिलाफ आंदोलन था ना ये। हाँ, बड़े किसान के खिलाफ था, जो बड़े किसान का मीनिंग हम कहें कि फ्यूडल लॉर्ड्स के खिलाफ आंदोलन था। इसी में तो इसकी सिग्निफिकेंस है कि उस मूवमेंट के जो शहीद हुए आज जब उसके नाम पे नगर बसाया जाता है, तो ये इस बात को दिखाता है कि इस मूवमेंट का पर्सपेक्टिव क्या है। यहाँ किसान एक बहुत बुनियादी सवाल पूछ रहे हैं मोदी जी। वे पूछ रहे हैं कि खेती हम करते हैं और हमें पता है कि हमारे लिए फ़ायदा और नुकसान का खेल क्या है, आप हमें बेवकूफ़ ना समझिए। और वे इसके साथ साथ मीडिया से भी यही सवाल पूछ रहे हैं।